सिल्की का एक छोटा वाला बच्चा आखिरी सांस से ले रहा, मर रहा है बेचारा। बहुत छोटा था ये, बाकी ये तीन तो सही, ये खा नहीं रहा था। इसने 2 दिन से खाना पीना छोड़ दिया था। एक्टिव था लेकिन इतना एक्टिव नहीं था जैसे ये है ना, खाते भी थे इस तरह, ये एक्टिव नहीं था बेचारा। जैसे गिराऊंगा वैसे मर जाएगा। बिल्कुल वो हो गया, छोड़ दिया इसने जिसमें अपना निडाल हो गया। जाएगा ही नहीं तो शाम में बिल्कुल ना ढीले से लग रहा था, एक जगह खड़ा हुआ था ये। निकाला था? नहीं नहीं जब मैंने देखा नहीं, उस सुबह आया था मैं, कब आया था, दोपहर में आया था, तो एक जगह खड़ा हुआ था ये, चोंच मार रहा था, लेकिन जिस तरह ये नहीं आपस में लगे नहीं खा रहे ऐसे नहीं था। तो पानी पिला के कोशिश कर रहे हैं, मुझे ले आते ना भीड़ रास्ते में से। दोस्तों बड़ी कोशिशें करने के बाद भी ये नहीं बच सका, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्वस्थ हो रहा था और ये इसने 3 दिन से इसने खाना भी बहुत कम खाया था, और कल तो बिल्कुल भी नहीं खाया था। वैसे कोई इसको बीमारी नज़र नहीं आ रही थी लेकिन ये खा नहीं रहा था। खैर हमने इतना इस पर ध्यान भी नहीं दिया कि क्यों नहीं खा रहा, क्योंकि बाकी सब खा रहे थे, ये उनके साथ साथ भागता था, लेकिन कोई बीमारी नहीं वाजे हुई थी, लेकिन अचानक ये फिर मर गया। और भाई ने इसको खाने खिलाने की और पिलाने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं बच सका। चाहे कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। मैं इसको फिर दफनाता हूँ कहीं, इसको मैं कहीं दफनाता हूँ। अब दुख हो रहा है बड़ा, इतने प्यार से लेकर आए थे हम ये, और ये बहुत अच्छा लगा था हमको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। दोस्तों तो चलें देते हैं अपने परिंदों को दाना, और आज हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है तो इसलिए हम इनको ना खोलेंगे ना इनको बाहर दाना देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा है तो दाना उड़ रहा है, घास उड़ रही है, तो इस वजह से इनको अंदर ही देते हैं। दोस्तों रैबिट तो घास देखते ही घास के पीछे लग गए और वो खाने में लगे। मैं बहुत ज़ोर से इनको भूख लग रही थी, इन्होंने घास देखी और निकलने की कोशिश करी और बाहर आ गए। चलो खा लो खा लो। डक्स को देखता हूँ, डक्स बेबी डक्स खाती है नहीं खाती। दोस्तों रैबिट्स तो देखते ही घास के पीछे आ गए और घास खाने में लग गए, तो इनसे घास इतनी सारी घास देख के इनसे सबर नहीं हुआ। बहुत मज़े की लग गई इनको घास। तोतों को लवबर्ड्स को और डक्स को पानी दे देते हैं, फिर उसके उसको मैं अभी नहीं हटा रहा क्योंकि रैबिट्स को बहुत मज़े आ रहे हैं, रैबिट्स खाने में लगे मैं, तो रैबिट्स को खाना खाने देते हैं। अभी थोड़ी देर में इनका भी चारा लेकर आएंगे कबूतरों का, फिर कबूतरों को मार्केट से ला के
इनको इनकी पसंद का चार दाना दे देंगे। वो छोटे हमारे आ गए, छोटे आ गए, इनको इंतज़ार है कि मैं इनको बाहर निकालूंगा। ये जब यहाँ नहीं आते इनसे डरते हैं, यहाँ नहीं आते इनसे डरते हैं, तो इसलिए ये वहाँ खड़े होकर उड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पर खोल लें तो बाहर निकलें। अभी मैं इनको थोड़ी देर में खोलता हूँ, क्योंकि मैं एक साथ खोल दूँगा ना, कौवे देखें वो आ गए, कौवे देखें आ गए। अगर ये कौवे आ गए ना तो इनको इसका मतलब है ये अपने चांस में है कि किसी भी एक परिंदे को ले उड़ेंगे, तो इसलिए मैं इनको ना ध्यान से कराऊँ। और जिन बार बार मेरी तरफ़ देख रहा है, क्योंकि इसको भूख लग रही है, इसको दाना चाहिए, तो मैं इसको अभी थोड़ी देर में दाना देता हूँ, क्योंकि इसका दाना मुझे लेकर आना है, इसका दाना है नहीं। आज मैंने सोचा टाइगर को मैं बंद करूँगा, मैं इन सब मुर्गियों को खोलूँगा और टाइगर हमारा थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा। तो दोस्तों लवबर्ड्स को पानी दे देते हैं। उनको पानी दे दिया, दे दिया तोतों को, तोतों का भी हो गया, लवबर्ड्स का भी हो गया। अभी इनको दाना लगे दाना दे देते हैं, और डक्स को दे दूं मैं पानी, क्योंकि ये हो रही है बेचारी बेताब। ये हो गया डक्स का पानी, डक्स बेचारी कैसी हो रही है बेताब पानी के लिए, बहुत पीती है पानी, बहुत पीती है। ये बर्तन धो देते हैं, बर्तन धो दो उनका यहीं पर। एक रैबिट तो यहीं पे, दूसरा नजर नहीं आ रहा है। ये आ गया डक्स का पानी, चलिए मेरे डक्स पानी पी लो आप। ओहो, ये पहुंची पानी पीने पर। दोस्तों ये हम दे देते हैं हमारे छोटे से प्यारे से बकरे को। चलो अंदर अंदर दे रहा हूँ, बता दे दोस्तों, मोहतरमा को खोल लेते हैं। उन्होंने आज एक और अंडा खराब कर दिया यार, मोहतरमा ने एक अंडा तोड़ दिया। ये देखें, ये देखें, ये एक अंडा पड़ा हुआ है, ये तोड़ दिया मोहतरमा ने। क्या हो गया, क्यों तोड़ रही अंडे? मैं अंडे भी बाकी हूँ। ये दाना डक्स को दे देते, दोस्तों एक डक मुझे लग रही है बीमार हो गई है, कुछ हो गया उसको, खा नहीं रही है। दोस्तों ये वाली डक से मुझे लग रही है बीमार हो गई है, कुछ खा नहीं रही है, कोने में बैठी रही है, या तो उसको कुछ लग गई है, या तो और अभी डक्स दाना बड़े शौक से खाती है। मैं इनको दूसरी चीज़ें देता हूँ, ये मिक्स दाना बहुत शौक से खाती है। आओ मोहतरमा, आओ मोहतरमा, दोस्तों ये हमने कर दिया तीन हिस्से। अब हम एक एक हिस्सा जाके बकरों को दे देते हैं। आज मैं अंदर ही रख रहा हूँ, हवा तेज़ है तो उड़ जाएगा, तो मैं ये एक एक करके सब बकरों को दे देता हूँ। अब एक हमारी चुलबुली को दे देते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा चुलबुली है, एक इनको दे देते हैं। और एक गजबा को दे देते हैं। हटो बेटा, हटो बेटा, ये तो बहुत ही ज्यादा खराबी गिर गई।
इन्होंने पूरी रस्सी फंसा ली, बड़ा मुश्किल कर दिया है, क्या करूं यार इसका, तो कोई रस्सी नहीं चल रही सही, खोल लो तो मारती इतना है। अब घूम घूम के रस्सी फंसा ली इसने। दोस्तों इसने घूम घूम के इतनी रस्सी फंसा ली है कि इसको खोलना बड़ा मुश्किल है, बिल्कुल हार्ड हो रही है, ये देखें बिल्कुल हार्ड हो रही है, ये गिरा भी नहीं खुलेगी और ये सब फंस गया है, और जो भी रस्सी डालो ये तोड़ देती है, और इसको अगर खोल दो तो मारती है ये। दोस्तों इसकी रस्सी ना मेरे लिए बड़ी मुश्किलात पेश करती है, ये घूमती इतना है क्या करूँ इसका, समझ से बाहर है। और इसकी जगह चेंज कर दो तो बच्चा फिर इसका बच्चा ना वहाँ आगे खड़ा होता है, तो फिर ये बीच के इनके बीच में फंस जाता है, और इसलिए मैंने इसको इधर बांधा है कि इसका बच्चा इसके साथ ही इधर ही होता है तो उधर नहीं जाता है वो। अब बड़ा मुश्किल कर दिया है, कैसे खोलूँ यार, फंस गई है। चलें कोशिश तो करते हैं फिर भी। दोस्तों महाज एक अंदर चारा देना, कबूतरों को दाना देना, क्योंकि ये जो मौजूद है ना इनकी वजह से इतनी मुश्किल होती है उनको दाना देने में कबूतरों को। तो दोस्तों मैं जैसे ही लेकर जाता हूँ ये झपट्टा मारते हैं, जम करते हैं और छीनते हैं दाना, तो बड़ा मुश्किल है देना, तो चलें कोशिश करते हैं देने की। तो कबूतरों को दाना दे दिया, हम कामयाब हो गए दाना देने में, और कबूतर खाने भी आ गए। जल्दी से खाना शुरू कर दें, अभी इनकी कुछ सेटिंग करते हैं, इनको हटाना है यहाँ से, बहुत तंग कर रहे हैं। दोस्तों रस्सी खोल ली हमने, और खोल के लूज करके बल निकाल दिए और इसको बांध दिया, बड़ी मुश्किलों से खुली, हाथ में भी लगी, और तो भागती है ये, इसको खोलो तो ये फौरन बाहर भागती है, लेकिन खोल ली, आप नहीं उलझाना इसको। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी, पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आए तो।